हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता, ऑल ओवर इंडिया में 10th के बोर्ड कैंसिल कर दिए गए हैं एग्ज़ाम, और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के डेट अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। तो इसी के सिलसिले में हम आपके साथ बात करेंगे आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका कोई जान परिचय का 12th में है इस बार, या फिर आप हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये जो डिसाइड किया है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने, कि 1 जून को जो है 12वीं की परीक्षा की तारीख डिसाइड की जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएं थी 4 से 22 मई तक होने वाली थी, जिन्हें कि COVID-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो आप भी घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, या सैनिटाइजर जो आपने है तो आपके अगल बगल जहां भी हो थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ करते रहें। तो आगे चलते हैं। तो कोविड की वजह से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अगर नॉर्मल हालात हुए तो 1 जून को परीक्षा की डेट घोषित की जा सकती है, यानी कि 1 तारीख को, यानी कि जून, ये तो अप्रैल लगभग चला ही गया है, मई यानी कि एक मंथ और आपके पास है तैयारियों को जोर जबरदस्त के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो 1 तारीख को यानी कि June 1 को जो है बोर्ड यानी कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 12th के बोर्ड की तारीखों की घोषणा करेगा। तो जो शिक्षा सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड 4 से 22 मई तक जो प्रस्तावित थी 12वीं की परीक्षा, उसको स्थगित कर देती है, और उसके अलावा 10वीं की तो ऑलरेडी रद्द हो चुकी हैं, लेकिन 12वीं की जो परीक्षा थी, अगर सामान्य हालात होंगे तो 1 जून 2021 को घोषित की जाएंगी उसकी तारीखें। जबकि ऑलरेडी आपको पता है 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से तैयारियां चल रही हैं, और अलग से वस्तुनिति के आधार पर जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो आपके ऑलरेडी होगा, यानी आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो भी आपने अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में दिए होंगे उसके आधार पर होगा। यदि 10वीं में उसके अलावा रिजल्ट के दौरान कोई छात्र संतुष्ट नहीं होता है और भविष्य में हालात सामान्य होते हैं, तो अगर 12th की जो परीक्षा होती है उसी के साथ साथ अगर आप परीक्षा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर यार आपको अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मार्क्स से संतुष्ट होना चाहेगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, यू हैव टू कॉन्फिडेंट ऑन यूर सेल्फ, देन एब्सोल्युटली यू विल गो फॉर द एग्जाम्स इन जून मंथ। तो ये रही यार यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप 12th में हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, तो उत्तराखंड बोर्ड ने ये घोषणा कर दी है कि आपकी जो परीक्षाएं हों 1 जून से और जो डेट्स होंगी उसको घोषित की जाएंगी। अगर उसके साथ साथ 12th 10th का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा अगर आप 10th के रिजल्ट संतुष्ट नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रीएग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बहुत अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही देना। और आप नहीं हैं आपके जान पहचान के तो यार फिर वीडियो को देख के छोड़ देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फॉलो करना मत भूलना। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।